हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th केमिस्ट्री। लास्ट टाइम पे हमने कॉमन सॉल्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे वॉशिंग सोडा। द फॉर्मूला ऑफ द वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं सोडियम कार्बोनेट में। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डज नॉट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, इस कॉल्ड एनहाइड्रेशन। अगर इसमें ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हटा दिए जाएं, तब उस फॉर्म को क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ओनली। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज सोडा एश। जब इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए जाते हैं तब इसका नाम क्या हो जाता है, सोडा एश। प्रोडक्शन ऑफ Na2CO3, Na2CO3 को यानी कि सोडियम कार्बोनेट को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस फ्रॉम NaCl, कॉमन सॉल्ट। NaCl इज अ कॉमन सॉल्ट। वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम NaCl इन थ्री स्टेप। थ्री स्टेप में हम प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ब्राइन, ये मैंने पहले आपको बताया था। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl प्लस H2O रिएक्टेड विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ पे आपको फोर रिएक्टेंट दिख रहे हैं, NaCl प्लस NH3 एंड H2 एंड CO2 रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। क्या फॉर्म करेंगे, NaHCO3 एंड NH4Cl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। देन सेकेंड स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेकेंड स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्टर करने के बाद हम इसे अमोनियम क्लोराइड से अलग कर लेते हैं एंड ड्राइड उसको सुखाते हैं और फिर उसको हीट करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। क्योंकि हमें जब हम रिएक्शन कराते हैं कॉमन सॉल्ट, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की, तो हमें एक कैसा सॉल्यूशन, सॉलिड पार्ट एंड सॉल्यूशन में जो PPT की फॉर्म में मिलेगा वो मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट PPT की फॉर्म में एंड अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में। तो हम उसे फिल्टर करेंगे, हमारा जो सॉलिड वाला पार्ट होगा, दिस इज़ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको फिल्टर करने के बाद अलग कर लेंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे एंड देन हीटेड। हीट करने पर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, डिकम्पोज होकर सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा। दिस इज़ द सोडा एस, क्योंकि इसकी ये कैसी है, एनहाइड्रस फेस में है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड नहीं है। तो क्या है, सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, सेकेंड स्टेप में ये सोडियम कार्बोनेट सोडा एश फॉर्म करता है। देन दिस सोडा एश रिएक्टेड विद द वाटर, वाटर के साथ जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं सोडा एश को, तब हमारा वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट फॉर्म होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये थ्री स्टेप में वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन थी। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस वॉशिंग सोडा। फर्स्ट इज़ वॉशिंग सोडा इज़ अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकेंड, द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर, वाटर में अगर वॉशिंग सोडा को डिसॉल्व करते हैं तो कैसा बिहेव करता है, एल्कली की तरह, यानी कि बेस की तरह। अब बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो इट मीन्स द लिटमस पेपर ऑफ द रेड लिटमस पेपर को कैसा कर देगा, ब्लू कर देगा। ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज एल्कलाइन, सो इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। थर्ड इज द डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़, ये कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, डिटर्जेंट प्रॉपर्टी मीन्स क्लिनजिंग प्रॉपर्टी, साफ करने की, धोने की प्रॉपर्टी। वॉशिंग सोडा हैज़ डिटर्जेंट प्रॉपर्टी और क्लिनजिंग प्रॉपर्टी बिकॉज इट कैन रिमूव डर्ट एंड और ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स, गंदे जो कपड़े होते हैं उनमें से ये डर्ट को और ग्रीस को हटा देता है, इसलिए इसमें क्लिनजिंग प्रॉपर्टी भी होती है। देन यूजेस, वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या क्या, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस को परमानेंटली रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हैं। सेकेंडली, इट इज़ यूज एज अ क्लिनजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, इसको क्लिनजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है, जैसे
कपड़े धोने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक पर्पज़, घरेलू काम काजों के लिए आप वॉशिंग सोडा को क्लिंजिंग एजेंट, सफाई करने के लिए एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फोर्थ वन इज़ इट इज़ द यूज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, सोडियम कंपाउंड में भी जैसे बोरिक्स, ठीक है, सोडियम कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, इट अनदर सॉल्ट, पहले हमने वॉशिंग सोडा पढ़ा, वॉशिंग पाउडर भी बोल सकते हैं, देन बेकिंग सोडा, द फॉर्मूला ऑफ द बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द केमिकल नेम ऑफ दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। द प्रोडक्शन ऑफ दिस बेकिंग सोडा फ्रॉम NaCl, जैसे हमने रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में, जैसे हमने वॉशिंग सोडा में करवाई थी रिएक्शन, सेम यही प्रोसेस भी है, कॉमन सॉल्ट से इसका प्रिपरेशन होता है। NaCl, एक्वस NaCl, एक्वस NaCl का मतलब होता है ब्राइन, NaCl प्लस H2O रिएक्टेड विद द अमोनिया, NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज़ द बेकिंग सोडा NaHCO3 एंड अमोनियम क्लोराइड। तो हम जब इसको फिल्टर करते हैं हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिल जाता है। देन प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ क्या है, NaHCO3 कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल, वाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं, सबने देखा है अपने घर में सोडा, खाने का सोडा जो होता है कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, एंड विच आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। सेकेंड वन इज़ द NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट इन इज़ अ माइल्ड और नॉन कॉरोसिव बेस, द एक्शन ऑफ हीट, हीट करने पर होता क्या है जब आप इसे डिजॉल्व भी करते हैं वाटर में, 2NaHCO3 हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है ये। द अबव रिएक्शन, रियल में जो ये एक्शन ऑफ हीट है, आप जब खाना पकाते हैं तब उस टाइम पे ये रिएक्शन होती है। द अबव रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन NaHCO3 इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड, जब आप उसको नीचे से हीट करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन हीटिंग, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है, एंड दिस गैस इज यूज फॉर द इट इज़ यूज एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, और जो बेकिंग सोडा है हम इसको यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी, एंड इन इफरवेंसेड ड्रिंक्स में भी यूज़ करते हैं सोडे को। यूजेज ऑफ NaHCO3, बेकिंग सोडा के यूज़ क्या क्या है, एक मोस्ट कॉमनली यूज़ तो आपको पता ही है, खाने में जितने भी कुकिंग फूड को, जैसे आपके छोले वगैरह जल्दी पकने के लिए हम यूज़ करते हैं उसको। फर्स्ट इज यहाँ पर इन केमिकली NaHCO3 इज यूज एज एंटा एसिड, यह मैंने आपको बार बार बताया है, ये एक बेसिक बेस इन कैरेक्टर होता है। तो जब आपकी बहुत एसिडिटी हो जाती है स्टमक में तो आपको जल्दी से क्या दे दिया जाता है, बेकिंग सोडा, ताकि आपकी जो एसिडिटी हो पेट में वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए बेस देने पर। तो NaHCO3 इज यूज एज एन एंटा एसिड इन द मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक, स्टमक की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम बेकिंग सोडे का यूज़ करते हैं। देन सेकेंड NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को फॉर्म करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ, बेकिंग पाउडर रियल में होता क्या, मिक्सचर होता है बेकिंग सोडे का और माइल्ड एडिबल टार्टरिक एसिड का, ठीक है। बेकिंग सोडा इज़ अ एल्कलाइन इन कैरेक्टर और टार्टरिक एसिड इज़ अ एसिड, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। NaHCO3 प्लस हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है बेकिंग पाउडर में होता क्या, रियल में बेकिंग पाउडर आप यूज़ करते हैं केक को बनाने के लिए, ब्रेड को बनाने के लिए, तो जैसे ही बेकिंग सोडा टार्टरिक एसिड उसमें होता है, ड्राई स्टेट में होता है, तो उस स्टेट में क्या होता है, वो बिल्कुल अनरिएक्टिव होते हैं, मतलब उसका टार्टरिक एसिड जो होता है वो बेकिंग सोडे के साथ रिएक्ट नहीं करता, न्यूट्रल नहीं करता। लेकिन जैसे हम उसे वाटर में, वेट वाटर में डालते हैं, तो जो उसके टार्टरिक एसिड के हाइड्रोजन आयन होते हैं वो एक्टिव होकर बेकिंग सोडे को, जो बेकिंग सोडे की एल्कलाइनिटी है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। Na पॉजिटिव क्या फॉर्म करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा डो होता है, मैदे का जो डो होता है जो हम केक या ब्रेड बनाने के लिए करते हैं, वो उसे वेट करने में, डो को सेट करने में, बबल्स फॉर्म करने में रिस्पॉन्सिबल होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसीलिए जो उसका डो होता है आपने देखा होगा केक वगैरह का या ब्रेड का, कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है, बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीजेस फ्र�म दिस डो। दिस CO2 गैस ट्रैप्ड इन द वेट डो
एंड बबल्स आउट स्लोली, क्या करती है CO2 गैस को ट्रैप कर लेती है और बबल्स जो होते हैं ऊपर की तरफ निकलने लग जाते हैं, टू राइज एंड बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी डो एज लॉन्ग एज बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे में लोग बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। एज लॉन्ग एज बेकिंग पाउडर इज़ ड्राई द NaHCO3 एंड टार्टरिक एसिड प्रेजेंट। बेकिंग पाउडर में आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये रिएक्ट तभी करते हैं जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करते हो, तभी ये अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं, जिससे हम केक और ब्रेड बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा, अब इसमें डिफरेंस क्या है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। बेकिंग सोडा इज़ अ सिंगल कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला हमको पता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, दिस इज़ द बेकिंग सोडा, इट इज़ अ सिंगल कंपाउंड। बट बेकिंग पाउडर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सचर होता है बेकिंग सोडे और टार्टरिक एसिड का, ठीक है, ये मिक्सचर होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। थर्ड वन इज़ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे करते हैं वो आप देखिए अभी डायग्राम में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन फायर, थर्ड वाला देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ सेपरेट कंटेनर। जो एक्सटिंग्विशर होते हैं, मतलब आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, सोडा एसिड टाइप का एक्सटिंग्विशर होता है, मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों अलग अलग कंटेनर में, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है नीचे जो आपको बॉटल में है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और एक दूसरे एक अलग सा कंटेनर है उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों अलग अलग कंटेनर्स में होते हैं। वैन द नॉब, ऊपर से जो नॉब लगी रहती है फायर एक्सटिंग्विशर के, उसको जब हम प्रेस करते हैं, द सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। जब दोनों मिक्स हो जाएंगे और प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है ऊपर से, द प्रेशर ऑफ दिस कार्बन की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, इसके प्रेशर की वजह से फोर्सेज अ स्टीम ऑफ लिक्विड टू फॉल ऑन अ बर्निंग सब्सटेंस। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड पूरे फोर्स के साथ किसी बर्निंग सब्सटेंस यानी कोई जल रहा है सब्सटेंस उसके ऊपर जब ये गिरता है, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ब्लैंकेट उसके चारों ओर, जहाँ पर जो बर्निंग सब्सटेंस होता है एक ब्लैंकेट टाइप का उसको घेर लेता है चारों तरफ से एंड कट ऑफ, और एयर से उसके सप्लाईमेंट को यानी कि एयर कॉन्टैक्ट को ख़त्म करता है, उस सब्सटेंस की एयर से कॉन्टैक्ट को ख़त्म कर देता है, कट कर देता है, कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर टू द बर्निंग सब्सटेंस। इस तरीके से वो आग बुझाने या फायर को डिक्स करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंस द सप्लाई ऑफ एयर, एयर इज़ कट ऑफ एंड द प्रोसेस ऑफ बर्निंग स्टॉप, बर्निंग की जो प्रोसेस होती है इस तरीके से स्टॉप हो जाती है एंड फायर गेट एक्सटिंग्विश। The steam of liquid falling on the burning substance also help in putting off fire by cooling the burning substance to below in the ignition temperature. इस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। ब्लीचिंग पाउडर पढ़ाने से पहले दो चीज़ें हैं, दो एजेंट को आपको बताती हूँ। ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच रिमूव, वो सब्सटेंस जो रिमूव कर देता है कलर को फ्रॉम द कलर्ड सब्सटेंस। जो भी कलर्ड सब्सटेंस होते हैं, इन एजेंट को जब हम यूज़ करते हैं तो उनका जो कलर होता है वो हट जाता है, रिमूव हो जाता है। तो अ सब्सटेंस विच रिमूव्स कलर फ्रॉम कलर्ड सब्सटेंस एंड मेक डैम कलरलेस, उसको कलरलेस बना देता है, दिस इज कॉल्ड द ब्लीचिंग एजेंट। ऐसे एजेंट्स को ब्लीचिंग एजेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द डिसइन्फेक्टेंट, डिसइन्फेक्टेंट विच इज़ यूज किल जर्म्स, जो जर्म्स और बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिसइन्फेक्टेंट। नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है और इसका फॉर्मूला है CaOCl2। प्रिपरेशन, ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग Cl2 गैस ओवर ड्राई सिलिक लाइम, स्लेक्ड लाइम के ऊपर Cl2 गैस अगर हम पास करते हैं तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 क्लोरीन के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दिस ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है CaOCl2 प्लस वाटर H2O। द प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज़, द ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ वाइट पाउडर, सबने देखा होगा,
ब्लीचिंग पाउडर व्हाइट कलर का होता है एंड विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, और स्मेल भी बहुत तेज होती है क्लोरीन गैस की वजह से, Cl2 की वजह से। देन CaOCl2 इज सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में सॉल्यूबल होता है। द स्मेल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इन द लाइम प्रेजेंट इन इट। थर्ड इज ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद द डायल्यूट एसिड के साथ, जो हम इसको रिएक्ट करते हैं प्रोड्यूस Cl2 गैस प्रोड्यूस करता है। जब डायल्यूट एसिड के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 रिएक्ट विद द H2SO4 गिव्स द कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस Cl2 प्लस H2O। जो Cl2 गैस लिबरेट हो रही है एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट की तरह ये एक्ट करती है। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द Cl2 इज़ ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। सम कलर्ड सब्सटेंस, जो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं उनको कलरलेस करने में ये रिस्पॉन्सिबल होती है, बिकॉज द ऑक्सीजन इज रिमूव्ड बाय Cl2, ऑक्सीडाइज कर देती है। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन लाइनन, सिंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द ब्लीचिंग वॉशेज क्लोथ, कपड़े धोने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है लॉन्ड्रीज में। इट इज़ यूज फॉर डिसइनफेक्टरी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। एंड थर्ड वन इज़ इट इज़ यूज फॉर द मैनुफेक्चर ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज़ अ कैसा है, बेहोश करने के लिए पहले यूज़ किया जाता था हॉस्पिटल्स में, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म को, CHCl3। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, इसको इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि जो वूल है वो श्रिंक ना हो। इट इज़ यूज फिफ्थ वन इज़ इट इज़ यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि इसमें जो Cl2 होता है वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। नेक्स्ट इज़ प्लास्टर ऑफ पैरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। कैल्शियम इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O। द नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस केम फ्रॉम, आया कहाँ से, द फैक्ट दैट इज़ द वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को हीट करने पर ही ये हमें मिलता है। इट वॉज यूज इज अ मैसिव वे इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, पहले जो स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता था, एंड बट नाउ इट्स हैज़ मैनी अदर यूज। इस टाइम पर करंट में इसका अद बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉमनली नोन एज, इसको हम POP भी बोलते हैं, आपने सुना होगा POP। प्रिपरेशन, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, जिप्सम से प्रिपेयर किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। द जिप्सम फार्मूला ऑफ द जिप्सम है CaSO4 इंटू 2H2O, टू वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको टेम्परेचर पर हीट करते हैं, 373 केल्विन भी बोल सकते हैं। इसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है, इस मेंटेन से ना अबव नहीं होना चाहिए टेम्परेचर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है POP में CaSO4, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1.5H2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी, प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं। इट इज़ अ वाइट पाउडर, सबने देखा है POP जो घरों में ऊपर आपके वॉल्स में लगी रहती है, दिस इज़ द POP, वाइट कलर की होती है। सेकेंड इज़ POP हैज़ अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी, द सेटिंग इन टू अ हार्ड मस ऑन वेटिंग विद वाटर, अगर वाटर के साथ POP को मिला दिया जाए तो उसकी हार्डनेस के लिए रिमार्केबल प्रॉपर्टी है उसकी ये कि सेट हो जाता है। कैल्शियम अगर फिर से ये जिप्सम बना लेता, हार्ड क्यों जाता है, क्योंकि जिप्सम आपका हार्ड होता है, हार्ड। POP CaSO4 इंटू हाफ H2O रिएक्ट विद 1.5H2O मॉलिक्यूल। ये जो इन्वर्स रिएक्शन होती है, जो हमने अभी POP जिससे फॉर्म किया उसका इन्वर्स है ये, इक्वल्स टू वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर से जिप्सम बना लेता है, तो हार्ड हो जाता है वो। जब आप उसमें वाटर मिलाते हैं आपने देखा होगा POP क्या हो जाती है, ऊपर हार्ड हो जाता है, तो इट्स कन्वर्टेड इनटू अ जिप्सम। POP शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, POP को हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, अगर वो मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेगी मीन्स वाटर के साथ, तो क्या बना लेगा, जिप्सम, वो हार्ड हो जाएगा, तो हम उसका कुछ यूज़ नहीं कर सकते। एंड देन यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या क्या यूज़ होते हैं, POP इज़ यूज इन हॉस्पिटल्स में, आपने देखा होगा यूज़ करते हैं फॉर सेटिंग फ्रैक्चर, जो फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है बोन्स का, हड्डियों का, इन द राइट पोजिशन, उस खिसक जाती हैं हड्डियाँ तो उनको सही पोजिशन पर लाने के लिए इस प्लास्टर लगा दिया जाता है। तो वो प्लास्टर किस चीज़ का होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। टू
इंश्योर करेक्ट हीलिंग, इट कीप्स द फ्रैक्चर बोन स्ट्रेट और इस बोन्स को स्ट्रेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। सेकेंड इज़ इट यूज इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटीरियल्स के लिए यूज़ करते हैं, चीप ऑर्नामेंट्स एंड ब्लैक बोर्ड चॉक, जो आप देखी होगी चॉक, वो भी सब POP की होती है। एंड थर्ड वन इज़ इट इज़ यूज एज अ फायर प्रूफिंग मटीरियल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन केमिकल लैब फॉर द सीलिंग एयर गैप, जो एयर गैप्स आ जाते हैं उनको सील करने के लिए भी POP यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, अपनी वॉल्स में आपने देखा होगा पेंट करने से पहले वॉल को स्मूथ करने के लिए, प्लेन करने के लिए POP का यूज़ किया जाता है। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें से आपको कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनल नंबर पर। थैंक यू।